वीडियो मैंने बहुत मिनिमम बजट में बनाया है, बनाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट। हे दिस इज कोमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इज वीडियो गोइंग टू वेरी स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑल अबाउट रेजिन आर्ट। कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक रेजिन राखी एट होम इन इजी वे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो रेजिन आर्ट सीखना चाहते हैं या रेजिन राखी बनाना चाहते हैं। सो ऑल यू नो गाइस कि रेजिन आर्ट वर्क इस टाइम पे कितना पॉपुलर है एंड लोग बहुत पसंद करते हैं। सो रेजिन आर्ट में ऐसा क्या है जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं? सो रेजिन आर्ट वर्क लोग बहुत पसंद कर रहे हैं अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि इसमें आप प्रिजर्व करवा सकते हो अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज, लाइक फ्लावर प्रिजर्व करवा सकते हो, आप इसमें अपनी शादी की वरमाला प्रिजर्व करवा सकते हो, बेबीज की बर्थ डिटेल्स होती है आप उसे प्रिजर्व करवा सकते हो। अगर किसी ने आपको फ्लावर गिफ्ट किए हैं और आप उसे एज अ मेमोरी लाइफ टाइम रख सकते हो, पर आप फ्लावर्स को नहीं रख सकते हो, वो कुछ टाइम क्या सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे एंड तो आप उसे ना प्रिजर्व करवा सकते हो एंड उसे रख सकते हो हमेशा अपने साथ। तो ये चीज रेजिन में ही पॉसिबल है, दैट्स वाई कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आज का वीडियो हमारा उसी से रिलेटेड है, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ रेजिन राखी। अगर आप रेजिन आर्ट सीखना चाहते हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये फर्स्ट स्टेज होगी आपके लर्निंग के लिए। तो मैंने इसमें ज्यादा इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए हैं, मैंने ये वीडियो एज अ बिगिनर्स के लिए बनाया है। तो जिन राखी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे दो चीजें, जिसमें फर्स्ट वन अच्छा गाइडेंस एंड नेक्स्ट वन एक अच्छा रॉ मटेरियल। सो अच्छे गाइडेंस के लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा देखिएगा। एंड सेकंड वन रॉ मटेरियल, तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज रेजिन, बिकॉज रेजिन के बिना तो रेजिन राखी बनेगी नहीं। तो जो रेजिन मैं यूज कर रही हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इवन जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज चेक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज राखी मोल्ड, थर्ड वन इज पिगमेंट्स। अगर आपके पिगमेंट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसके जुगाड़े मैंने वीडियो में शेयर किया है, आप देख सकते हो, मैंने उसे अप्लाई कर सकते हो। अब्बास बेटा, फोर्थ वन ड्राइड फ्लावर, अगर नहीं है तो जो पूजा के लिए आपके घर में फ्लावर्स आते हैं या रोज मिलता है आप उसे ड्राई करके यूज कर सकते हो। फिफ्थ वन इज डिस्पोजल कप्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स, जो आइसक्रीम वुडन स्टिक्स रहती हैं वो आप यूज कर सकते हो। एंड ग्लव्स, कुछ लोग बिना ग्लव्स के बनाते हैं लेकिन आई रिकमेंड कि प्लीज आप ग्लव्स ले लीजिएगा। एंड या प्लास्टिक बैग या पॉलिथीन टाइप का जो भी रहता है वो, एंड इसके अलावा आप टिश्यू पेपर वेट वाइप्स रहती हैं आप उसका यूज कर सकते हो फॉर क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये जो इसके स्टेन्स है वो छूटते नहीं है। हमें जरूरत होगी बीट्स एंड थ्रेड की, और हमें राखी टाई करनी है लूम्बा बनाना है उसके लिए, एंड टोट पिक्स। सो ये सारे रॉ मटेरियल्स थे जो मैंने आज यूज किए हैं वीडियो में। इसके अलावा अगर वेटिंग मशीन्स है या फिर गैस लाइटर वगैरह है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप मिनिमम टाइम के लिए यूज कर रहे हो रेजिन को, मतलब लाइक एक या दो बार बनाएंगे इसके बाद नहीं बनाएंगे, तो आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज काम चल सकता है ऐसे। लेकिन यार यहाँ में पिघल बहुत सारी डिटेलिंग सेट कर रही हूँ, टिप्स ट्रिक एंड एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा देखेगा एंड बाकी बातें वीडियो में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद रॉ मटेरियल जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देन हम कवर करेंगे अपने टेबल को, क्योंकि जो रेजिन के स्टेन्स हैं वो जाते नहीं हैं। देन हम क्लीन करेंगे मोल्ड को विद हेल्प ऑफ टेप, इससे जो छोटे छोटे डस्ट है ना वो उससे क्लीन हो जाती है। तो इसके बाद हम मिक्स करेंगे रेजिन को, तो रेजिन हमारी मिक्स होगी 3:1 में। तो यहाँ पे मेरे पास वेटिंग मशीन नहीं है, तो मैं यहाँ मग जो डिस्पोजल कप है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ डिस्पोजल कप का 75% क्लियर ले लूँगी एंड 25% हार्डनर ले लूँगी। तो ये हमारा टोटल बन जाएगा 3:1 में। देन हम इसको मिक्स करेंगे अराउंड 4 to 5 मिनट्स के लिए, जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। ये आप अप्लाई कर सकते हो, बट याद रखिएगा ये सिर्फ स्मॉल आर्ट वर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कोई बड़े आर्ट वर्क में ऐसा अंदाजा बिल्कुल मत लगाइएगा, हो सकता है वो ख़राब हो जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फर्स्ट फ्लोरल राखी, जिसके लिए मैंने रेड फ्लावर लिया है एंड मैंने एक
कोटिंग कर दी है रेजिन की। एंड ट्राई करें कि इसमें बबल्स ना रहे, तो टूथपिक से आप बबल्स को हटा सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मीका पाउडर एंड एक्रेलिक कलर। अगर आपके पास पिगमेंट्स नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हो, बट अगेन सिर्फ छोटे आर्ट वर्क के लिए, बड़े आर्ट वर्क में ऐसा ना करें। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये येलोइश हो जाए, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एक जुगाड़ है आपके लिए पैसे ना खर्च करने की। मैं हाफ कलर्ड एंड हाफ ट्रांसपेरेंट राखी बना रही हूँ, बट क्या है ना, मुझे ना कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं प्लेन से, तो ये फ्लोरल राखी मुझे पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे यहाँ से इसे हटाना होगा। तो कंजूसी की हद हो गई जब मैंने सेम रेजिन को वापस से मग में कर लिया, एंड मैं इसी रेजिन से दोबारा से इसी मोल्ड में दूसरे कलर की राखी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ पर्पल कलर का पिगमेंट। अगर आपके पास पिगमेंट नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हो। देन मैं थोड़ा सा मेकअप पाउडर ऐड करूँगी। मेकअप पाउडर शाइनिंग के लिए यूज़ होता है, तो मैं हाफ सर्कल में पर्पल एंड हाफ में मैं क्लियर रखूँगी। आप ऐसा कर सकते हो आराम से, आप जिस स्टेप से चाहते हो उस स्टेप को बना सकते हो, कलर कर सकते हो, बस आपको कुछ बातें याद रखनी है। सो मेरे पास लेफ्ट ओवर रेजिन है जिससे मैं पूजा थाली बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ फ्लावर कोस्टर जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था। हाउ क्यूट यार, एंड फ्लावर शेप में पूजा थाली। मुझे तो अभी से सोच के लग रहा है कि मतलब आउटकम कैसा रहेगा। सो आते वीडियो पे। देखो और फ्लावर लुक देने के लिए मैं जिप्सी छोटे छोटे फ्लावर ऐड कर रही हूँ, तो इसे थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो सूखने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, कोई सनलाइट एंड या कोई फैन नहीं लगता। आप इसे रूम में रखते हैं, 24 आवर में सूख जाएगा। और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, लाइक मैं कस्टम स्पीकर्स ऐड कर रही हूँ भैया भाभी के। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप मार्कर से लिख सकते हो, फोटो ऐड कर सकते हो, फोटो को आप लेमिनेट करके इसे यूज़ कर सकते हो। देन मैं छोटी छोटी कटोरियाँ ऐड करूँगी एंड ये लीव्स ऐड करूँगी जिससे कि हमारी जो थाली है वो और ब्यूटीफुल लगे। देन हम फाइनल कोटिंग करेंगे एंड रेजिन को मिक्स करने का सेम ही प्रोसेस रहेगा, 3:1 में मिक्स करेंगे। एंड अगर आपके हाथों में रेजिन लग जाती है, यहाँ पे कई लग जाती है, तो आप इसे तुरंत ही किसी वेट वाइप से क्लीन कर सकते हैं, आपके स्टेन्स जल्दी छूट जाएंगे। अगेन इसको सूखने में 24 आवर्स लगेंगे। सो हेयर इज अवर फाइनल लुक ऑफ थाली एंड राखीज। सो कभी कभी क्या होता है कि ना मोल्ड के बाहर रेजिन चली जाती है एंड वो जम जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप कटर की हेल्प से इसका भी कट कर सकते हैं। बट कभी क्या होता है, रेजिन काफ़ी हार्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे एक राखी है मेरी जिसका जो रेजिन था ना वो काफ़ी हार्ड रह गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कटर से उसको शेप देंगे, देन हम सैंड पेपर से उसे अच्छे से सैंड करेंगे। तो सैंड पेपर नॉर्मल वाला सैंड पेपर नहीं होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे P1500 सैंड पेपर। सो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा एंड लोकल शॉप पर भी मिल जाएगा। हम उसकी हेल्प से इसको अच्छे शेप देंगे। अगर नीड हो तो एक कोट और कर दीजिएगा, नहीं नीड है तो ऐसे काम चल जाएगा। देन हम यूज़ करेंगे मार्कर का। तो मार्कर से क्या करेंगे, और इन्हेंस करने के लिए हमारी इसकी ब्यूटी को, हम उसे बॉर्डर करेंगे गोल्डन मार्कर से। तो यहाँ पे हमारे जो बेस है राखी के वो रेडी हैं। अब हम चलते हैं लुम्बा की तरफ। बिना लुम्बा के भाभी की राखी इनकम्प्लीट होती है। तो मैं यहाँ ले रही छोटे छोटे बीट्स, जो भी आपके अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप परचेज कर सकते हो। तो मैं ले लूँगी अपनी राखी से मैच करते हुए बीट्स लाइक ब्लू वाइट पर्पल एंड ट्रांसपेरेंट बीट्स। एंड खोल लिया है मैंने अपना सुई का पिटारा, थ्रेड ले लेंगे एंड उसमें नॉट बांध लेंगे। स्टार्ट करेंगे इसमें बीट्स ऐड करना, तभी तो बनेगा अच्छा लुम्बा। इस लुम्बा बनाएंगे हम ब्लू वन राखी के लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ ये बीट्स ऐड कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। देन बना हमारे फाइनल लटकन्स। तो मैंने यहाँ पे 3 लटकन्स लिए हैं, मैं यहाँ पे नॉट बांध लूँगी। चाहे तो आप अभी जंप रिंग ऐड कर सकते हो। इसमें एक और बीट ऐड करूँगी, तो मैं अभी जंप रिंग ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं बना लूँगी अपने पर्पल राखी के लिए लुम्बा। तो इसके लिए मैंने 4 लटकन्स ली हैं एंड देन हमारे लटकन्स रेडी है लुम्बा बनने के लिए। तो मैं यहाँ जंपरिंग की हेल्प से राखी के एक साइड में मैं अपने लटकन ऐड कर दूंगी। तो यहाँ हमारी ब्लू कलर की जो राखी, इसका लुम्बा ऐड हो गया है। देन हम थ्रेड ऐड करेंगे। तो थ्रेड आप अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप कलावा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे प्योर कुछ नहीं हो सकता। और आगे कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ एक और बीड एंड मैं नॉट बांधूंगी। तो यहाँ पे हमारी लुम्बा राखी रेडी है। सिमिलर टू भाई की राखी में भी हम थ्रेड ऐड कर देंगे विद बीड्स के साथ। तो यहाँ पे हमारी जो राखी का ब्लू पेयर था वो रेडी हो गया है। सिमिलर टू मैं पर्पल पेयर में भी करूँगी, तो ये भी हमारा रेडी है। सो हेयर इज अवर फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मैं शेयर करती हूँ क्रिएटिव डीआईवाई आइडियाज
एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट कर देना। अगर आपकी कोई क्यूरीज है अबाउट रेजिन आर्ट तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो रेजिन आर्ट सीखना चाहते हैं या रेजिन राखी बनाना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।